ओके, लास्ट टाइम हमने कैपेसिटर स्टार्ट किया. कैपेसिटर्स के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, कैपेसिटर में क्या डिस्कस किया कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि क्या स्टोर करेगा, चार्ज स्टोर करेगा, राइट. तो हमने ये डिस्कस किया कि कैपेसिटर एक स्टोरेज डिवाइस है, पॉइंट नंबर वन. कैपेसिटर के अंदर अगर हम फॉर्मूला देखें कैपेसिटेंस का, सी दैट विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वी. ये फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम किया कि कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वी. नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टीज की कंडक्टर की, कि कंडक्टर का क्या बिहेवियर है कि जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखा जाएगा, एंड कंडक्टर के अंदर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी कंडक्टर को रखते हो तो उसमें ई की वैल्यू कंडक्टर के अंदर क्या रहेगी, जीरो. ये भी हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट है, नेक्स्ट इधर इधर, ठीक है. तो ये डिस्कस किया, ये सारी प्रॉपर्टीज की हमने. कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, इसको डिस्कस किया कि अगर एक कैपेसिटर है, मींस एक स्फेयर है, और स्फेयर अगर कैपेसिटर की तरह काम करे, तो अगर स्फेयर के ऊपर क्यू चार्ज है, तो स्फेयर की जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 4πε0 R. ये भी हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट ये हमने एक न्यूमेरिकल किया था, और आज हम स्टार्ट करेंगे बाय टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर. हालांकि लास्ट टाइम मैंने बताया था, एक बार फिर से यहां से शुरू करेंगे प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर. देखो कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, कि कैपेसिटर में आपके पास कोई भी एक कंडक्टर या कोई भी एक बॉडी आपने कंसिडर की जो चार्ज स्टोर करती है. और लेट अस सपोज, मैंने ये समझाया था कि आपके पास देखो, लेट अस सपोज आपके पास कोई भी एक प्लेट ऑफ एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है जिसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, जिसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, ये मैंने अपनी बैटरी से कनेक्ट करके दिया, और मैक्सिमम चार्ज इसमें जो आया वो क्यों आया, तो क्योंकि इसको मैंने चार्ज दिया, क्योंकि इसके ऊपर पोटेंशियल है, तो चार्ज Q इज इक्वल टू सी इन टू वी. तो यहां से इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, Q डिवाइडेड बाई वी. क्लियर है यहां तक? अब ये और चार्ज स्टोर नहीं कर सकता, बस जितना चार्ज इसको देना था इसने ले लिया, और ये इसका मैक्सिमम पोटेंशियल है. तो अब अगर मैं और चार्ज दूंगा तो ये लेगा नहीं, ठीक. मैंने क्या किया, इसके सामने एक पैरेलल और प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट को इसके सामने रख दिया, इसको कोई बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, एक कंडक्टिंग प्लेट इसके सामने रख दी मैंने. अब कंडक्टिंग प्लेट जब मैंने इसके सामने रखी, तो बाय इंडक्शन यहां पर क्या डेवलप हुआ, नेगेटिव, और इसके पीछे की तरफ क्या डेवलप हुआ, पॉजिटिव. मान लो जब मैंने इसको यहां प्लेट को नहीं रखा था, तो इस प्लेट ने यहां पर पोटेंशियल जो डेवलप किया था वो 100 वोल्ट डेवलप किया था, जस्ट इमेजिन कर लो. और क्यू इस पे मैक्सिमम आ चुका था और ये चार्ज ले नहीं सकता, ठीक. तो जब मैंने इस सामने प्लेट, इसके सामने एक कंडक्टिंग प्लेट को रखा, तो यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव डेवलप हो गया. और मैंने ये भी बताया कि अगर ये +2 कूलम है और अगर ये -3 कूलम है और ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, और अगर मैं कहूं कि यहां पर पोटेंशियल निकालो, तो +2 जो कूलम का चार्ज है वो इतना पोटेंशियल लगाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इतना पोटेंशियल लगाएगा. मेरे कहने का मतलब, पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट के पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा, नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट के पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा. तो बिल्कुल वैसे ये 100 वोल्ट पे है, नेगेटिव चार्ज यहां के पॉजिटिव पोटेंशियल को 100 वोल्ट को क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज कर देगा. और डिक्रीज करके मान लो कितनी वैल्यू कर दी, 100 की जगह कितनी कर दी, 90 वोल्ट कर दी, 100 की जगह 90 वोल्ट कर दी. तो नेगेटिव चार्ज ने इसके पोटेंशियल को क्या कर दिया, कम कर दिया. तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो उल्टा काम करेगा, पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, नेगेटिव इसके पोटेंशियल को कम करेगा, पॉजिटिव इसके पोटेंशियल को बढ़ा देगा. तो पॉजिटिव ने इसके पोटेंशियल को बढ़ा दिया बाय 8 वोल्ट. अब आप कहेंगे नेगेटिव ने 10 वोल्ट कम किया, पॉजिटिव ने 8 इंक्रीज किया, ऐसा क्यों?
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से थोड़ा सा पीछे की तरफ है, दूर है, तो इसका अफेक्ट कम आएगा। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर आप इस प्लेट से पूछें, ओवरऑल इसका पोटेंशियल क्या हो गया, 100 से डिक्रीज, और अगर पोटेंशियल 100 से डिक्रीज हुआ तो इसकी कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज, कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। तो जो ये कैपेसिटेंस कांस्टेंट थी इस प्लेट की, तो कांस्टेंट थी, बट इस सामने प्लेट रखने से ओवरऑल इसका पोटेंशियल डिक्रीज होने से ओवरऑल कैपेसिटेंस इसकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्लियर है यहां तक, कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो गई। हाँ, हालांकि वैसे कैपेसिटेंस कांस्टेंट होती है, बट इस केस में अगर आप ये अरेंजमेंट करते हो तो इस सिस्टम की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब किसी ने और सजेशन दिया, क्या सजेशन दिया, कि क्यों ना ऐसा करें, इसको ग्राउंड ही कर देते हैं, अर्थ ही कर देते हैं, अर्थ करने से पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, चला ही जाएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज यहां से चला जाएगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में लेट अस सपोज ये पॉजिटिव चार्ज चला गया बिकॉज ऑफ अर्थिंग, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज चला गया तो क्या बचा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज। तो 100 वोल्ट की जगह इसका अफेक्ट 90 वोल्ट हो गया, बढ़ाने वाला चार्ज तो गया, तो ओवरऑल इसका पोटेंशियल काफी कम हो गया और कैपेसिटी बढ़ गई। तो अब ये रूल बना दिया गया, क्या रूल बनाया, कि आज के बाद सिंगल प्लेट का कैपेसिटर नहीं बनाएंगे, आज के बाद सिंगल प्लेट कैपेसिटर के सामने एक और प्लेट रखेंगे, उसको ग्राउंड करेंगे, इस पूरे अरेंजमेंट में चार्ज को स्टोर करेंगे। हालांकि चार्ज मैंने पहली प्लेट को ही दिया, ये चार्ज तो बाय इंडक्शन है और इसके पोटेंशियल को कम कर रहा है ताकि इसकी कैपेसिटी क्या हो सके, इंक्रीज। तो दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। तो पॉइंट क्लियर है कि हम दो पैरेलल प्लेट के साथ ही कैपेसिटर क्यों बनाते हैं, सिंगल प्लेट हमारा काम क्यों नहीं करता। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर बना। और जब आप इस थ्योरी को देखेंगे आपके बुकलेट के अंदर, तो इसमें लिखा हुआ है कि क्या रेफर करना है, थ्योरी बुकलेट। अब एक और बुकलेट आपको नेक्स्ट टाइम मिल रही है, उस बुकलेट में आज से लेके कैपेसिटेंस से लेके एंड सेमीकंडक्टर्स टर्म वन टर्म टू की सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की डेरिवेशंस हैं बस। तो इन शीट्स में आपको थ्योरी मिलेगी, उसमें रिजल्ट्स मिलेंगे, फाइनल फॉर्मूलाज यही लिखे होंगे, न्यूमेरिकल भी यही मिलेंगे, बट जो एनसीईआरटी की प्रॉपर थ्योरी है, जो एनसीईआरटी में सीबीएसई में डेरिवेशंस आती हैं उसकी लिस्ट है, और उसकी पूरी किताब अलग तैयार की हुई है प्लस टू को लेके, क्योंकि प्लस टू में डेरिवेशंस काफ़ी आती हैं, तो नेक्स्ट टाइम मिलेगी। तो इसकी जो पूरी थ्योरी है वो आप वहाँ रेफर करेंगे, ठीक है। तो ऐसा आता रहेगा, जैसे थ्योरी आती रहेगी तो वो रेफरेंस उसमें पॉइंटर लगा के हम उसको पॉइंट करते रहेंगे। तो इसलिए अलग बनाई, क्योंकि जब आप सिर्फ थ्योरी की बात करते हो तो आपको ढूंढनी पड़ती है डेरिवेशन सीबीएसई की, उसमें ढूंढने नहीं पड़ेंगे, वो पूरी किताब ही सिर्फ थ्योरी की बना दी हमने, ठीक है। सो अब अगर आपको बुक में कैपेसिटर का सिंबल देखना हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो सिंबल ऐसा दिखेगा। कभी कभी आपको सिंबल ऐसा भी दिखने को मिलेगा,